मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइवली स्किल्स। आज हम बना रहे हैं चिकन रोल्स, बहुत ही मज़ेदार, क्विक और इजी रेसिपी के साथ। चिकन रोल बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है 1 किलो, थाई और चेस्ट आप किसी का भी ले सकते हैं, और कुछ वेजिटेबल्स ली हैं जिसमें 1 प्याज, 1 गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी और 1 शिमला मिर्च है जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है, चॉप कर लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल है, 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 3 टेबलस्पून वाइट विनेगर सिरका और 4 टेबलस्पून सोया सॉस है। और रोल पट्टियाँ ली हैं जितनी भी इस्तेमाल हो जाएं, फ्रेश ली हैं मैंने बिल्कुल। सबसे पहले मैं पैन गर्म करके उसमें ऑयल डालूंगी और फिर इसमें चिकन को डाल दूंगी। चूल्हे की आंच मेरी बिल्कुल तेज है, तेज आंच पे मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी 2 मिनट के लिए, एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए इस पर। और साथ ही मैंने लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अब चिकन को मैं तेज आंच पर फ्राई कर रही हूं, पानी का मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब इसमें मैं नमक, काली मिर्चें, सुरख मिर्चें और चिकन पाउडर भी डाल दूंगी और अब इनको भी तेज आंच पर फ्राई करना है। और साथ साथ मैं कीमे पे चमचा चलाती रहूंगी ताकि ये खुल जाए बिल्कुल और आपस में जुड़ा ना रहे। सोया सॉस और सिरका भी डाल दिया है, इसको भी मैं तेज आंच पर ही पकाऊंगी और बिल्कुल खुश्क कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि ये भुनते भुनते खुश्क हो गया है, आंच मेरी तेज है। अब तमाम सब्जी डालकर 2 मिनट इसको, सब्जी को मैंने इस चिकन के साथ पकाना है और तेज आंच पे इसको खुश्क कर लेना है बिल्कुल, क्योंकि इसके रोज बनेंगे, नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब इस कीमे को मैंने ठंडा करना है। जी व्यूअर्स, कीमा ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके रोज बनाने लगी हूँ। रोज बनाने के लिए मैंने मैदा और पानी घोल लिया है और साथ ही चकोर रोल पट्टियाँ ली हैं, एक कोने में रख कर और उसको मैं अंदर को दबा के गोल करती हुई दूसरे दोनों कोनों को दबाती हुई एंड पर आके मैदा लगाकर और इस रोल को बंद कर लूँगी। टाइटली इसको बंद करना है, इसी तरह अब यही रख के दोनों कोनों को मोड़ के, ये भी वह है, और इसको ला के एनवेलप से बनाते हुए रोल करते हुए और मैदा लगाकर और इस तरह रोल बना लूँगी। तमाम रोल्स मैं इसी तरह बनाकर और इसको मैं एक ट्रे में रखूँगी और ट्रे में मैं प्लास्टिक शीट लगाऊँगी ताकि ये जम जाएं और आपस में जुड़े ना। जी व्यूअर्स, ये 1 रात गुजरने के बाद हमारे रोल्स जम चुके हैं और ये बिल्कुल अलग अलग हैं। मैंने एक बॉक्स लिया है, इस बॉक्स में मैं ये रोल लगाऊंगी, इस तरह में सेट करके और प्लास्टिक शीट ऊपर लगाकर और इनको आप सेव कर लें। पूरे रमजान ये रोल्स काम आएंगे। 1 केजी चिकन से ये तकरीबन 65 रोल्स बन गए थे। अब इस तरह मैं इसका बॉक्स का लिड लगा के और इसको मैं फ्रीजर में सेव कर लूँगी। अब ये मैंने ऑयल गर्म किया, मैं फ्रीज्ड रोल फ्राई कर रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह मैंने गर्म करके और इसकी आंच को मैंने कम कर दिया। अब 2 से 3 मिनट कम आंच पे पकाना है, इन्हें फ्राई करना है, चमचा चलाते रहें और 2-3 मिनट बाद फिर आँच को तेज़ कर दें और 1-2 मिनट में ये रोल्स जब कलर अपना ले आए तो इन्हें आप निकाल लें। इन्हें पहले से निकाल के भी रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे रोल्स जो हैं, देखिए आप,
बहुत अच्छे फ्राई हो गए, बहुत अच्छा कलर आया है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Please like and subscribe to Lively Skills.